उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया गुरुवार से शुरू कर दी है। ये भर्ती आयोग के विज्ञापन संख्या 50 के तहत होगी, जिसमें कुल 49 विषय शामिल हैं। खास बात यह है कि भर्ती में कुल 8 विषय ऐसे हैं जिनमें पदों की संख्या 100 से अधिक है। सर्वाधिक पदों की संख्या 162 पद हैं हिंदी विषय में। इस भर्ती के लिए आयोग ने एक नई वेबसाइट www.upsec2011.com.in बनाई है। इस वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थी 27 फरवरी की शाम 6 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 26 मार्च निर्धारित की गई है। फीस जमा करने के बाद अभ्यर्थी 27 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकेंगे। लिखित परीक्षा 4 चरणों में करवाई जाएगी। आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार हिंदी में सर्वाधिक 162 पद हैं। इसके अलावा 7 विषय ऐसे हैं जिनमें पदों की संख्या 100 से अधिक है। रसायन विज्ञान में 159, भूगोल में 142, अंग्रेजी में 133, बीएड में 113, राजनीति शास्त्र में 109, समाज शास्त्र में 102, अर्थशास्त्र में 100 पद हैं। उद्यान विज्ञान में 7, उर्दू में 10, हिंदी अनुवांशिकी एवं पादप प्रबंधन में 4, एशियन कल्चर में 1, कीट विज्ञान में 5, कृषि अभियांत्रिकी में 8, कृषि अर्थशास्त्र में 7, कृषि प्रसार में 11, कृषि रसायन में 11, कृषि वनस्पति में 7, कृषि सांख्यिकी में 6, गृह विज्ञान में 12, चित्रकला में 4, जैव रसायन में 1, दर्शन शास्त्र में 6, पशुपालन एवं डेयरी में 2, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान में 8, पादप रोग विज्ञान में 5, प्राचीन इतिहास में 24, प्राणी विज्ञान में 96, भूगर्भ विज्ञान में 4, भूमि संरक्षण में 2, भौतिक विज्ञान में 98, मनोविज्ञान में 66, वनस्पति विज्ञान में 92, वाणिज्य में 79, शारीरिक शिक्षा में 23, शिक्षा शास्त्र में 40, संगीत गायन में 12, संस्कृत में 74, सांख्यिकीय में 18, समाजशास्त्र में 102, सैन्य विज्ञान में 42, इतिहास में 41, विधि में 41, सस्य विज्ञान में 13, गणित में 96, संगीत तबला में 2, मानव शास्त्र में 1, संगीत वादन में 1, संगीत सितार में 1 एवं महिला अध्ययन के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 46 के तहत भूगर्भ विषय के 1 खाली पद हेतु भी आवेदन लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।